हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक वार्षिक निरीक्षण पर दमोह पहुंचे। उन्होंने जहां रेलवे स्टेशन सहित उद्यान का निरीक्षण किया, वहीं अनेक भवनों का लोकार्पण भी किया। अपनी विशेष रेलगाड़ी से जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के दमोह पहुंचने पर स्टेशन प्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने विश्राम गृह, आरपीएफ के लिए नई बैरक सहित बच्चों के लिए उद्यान एवं ओपन जिम का लोकार्पण भी किया। उन्होंने बेहतर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। साथ ही दमोह स्टेशन को भी बेहतर कार्य करने के लिए 50,000 रुपये के इनाम की राशि दी गई। आरपीएफ के बैरक के उद्घाटन के बाद जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरपीएफ के डॉग स्क्वाड के कर्तव्य को भी देखा। साथ ही डॉग स्क्वाड के द्वारा किस तरह यात्रियों एवं अन्य सामानों की सुरक्षा की जाती है, इसका भी प्रदर्शन किया गया। महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरपीएफ के लिए बनाए गए बैरक में पौधारोपण भी किया। साथ ही वॉलीबॉल खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल भी खेली। मीडिया से बातचीत करते हुए जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने दमोह दौरे को काफ़ी अच्छा बताया। उन्होंने स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं को भी सराहा। जीएम के साथ बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारियों की एक टीम भी यहां पहुंची थी, जिन्होंने दमोह रेलवे स्टेशन के हर हिस्से का मुआयना किया। महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह लगभग 2 घंटे तक दमोह स्टेशन पर रहे, उसके बाद करैया भदौली की ओर रवाना हो गए। राजपूत जी को अवार्ड दिलवाना नहीं करती। दमोह द्वारा हुआ है, किस तरह की सौगात देने वाले हैं दमोह? नहीं, दमो बेसिकली ये जो था ना इंस्पेक्शन, ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है। इसमें जो बेसिकली रेलवे के जो ट्रैक होता है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन, और इसके अलावा जो यात्रियों की सुविधा या लोकल जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में निरीक्षण करते हैं। तो अच्छा था, यहाँ का दौरा अच्छा था, और ख़ास करके रेलवे ने अपनी कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं बड़े अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी करी हैं, ये एक संतोषजनक है। रेलवे के द्वारा यहाँ सड़क रास्ता बंद कर दिया गया, यहाँ के बाढ़वासी काफ़ी परेशान हो जाएंगे क्योंकि एम्बुलेंस आने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में एक्चुअली ये कॉलोनी का एंट्री रास्ता है, तो यहाँ पे जो बाहर के व्हीकल यहाँ कंटिन्यूसली आना जाना करता है, प्रॉपर एंट्री तो उधर से है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पैदल जाने वाले हम लोग अलाउ कर देंगे, बट बड़ा बड़ा व्हीकल यहाँ जाएंगे तो फिर दिक्कत। तो रेलवे की भी अपनी कॉलोनी है, उनकी प्राइवेसी होती है, तो उसमें डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, तो इसलिए उसको बंद किया गया। पूरा देश अनलॉक हो चुका है सर, और गाड़ियाँ अभी भी नहीं चल पा रही। पूरा अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ, जैसे जैसे कंडीशन सुधर रही हैं वैसे धीरे धीरे करके गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन धीरे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जब अभी वैक्सीन वगैरह लगनी शुरू हो गई है, फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा तो और गाड़ियाँ चलेंगी। इकोनॉमिक क्लास की गाड़ियाँ चल रही हैं सर, लेकिन लोकल पैसेंजर है, लोकल पैसेंजर्स के लिए बताया ना कि जब तक उसमें MHA की गाइडलाइन जब तक नहीं आ जाती है, बिकॉज डर तो अभी भी है, फ्रीली तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, अभी सब लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, इसका मतलब कि समस्या है। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे हम लोग पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलाएंगे। रेलवे में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पैसेंजर अभी नहीं चालू हुई हैं।
रेलवे में पैसेंजर के साथ घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए? कैसी घटनाएं? जैसे यहाँ पर लूट होती है, चोरी वगैरह? लूट के लिए देखिए ऐसा है कि उसके लिए ऑलरेडी सिस्टम है, स्टेशन लिमिट में होता है या उसके आसपास होता है तो जीआरपी आरपीएफ मिलजुल के कार्रवाई करते हैं, उसमें संज्ञान लिया जाएगा। दमोह आदर्श स्टेशन के रूप में है और रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक एक काफ़ी नीचा है, कोई तैयारी या कोई? इसका फिलहाल कोई सेंक्शन वर्क नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे सुधारेंगे, जैसे जैसे फंड मिलेगा चीज़ों को सुधारेंगे। जहाँ भी ओवरब्रिज या अंडरब्रिज सीक्रेट है तो रेलवे का कहना है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अंश नहीं दिया है, तो क्या रेलवे अपने अंश से जितना उसका वर्क है वो करेगी या अभी? तो उससे फ़ायदा नहीं होगा ना, जब तक पूरा रेलवे का और स्टेट गवर्नमेंट का जब तक पूरा अंशदान हो के और पूरा कार्य नहीं होता है तो पैसेंजर तो खाली हमारा जो दायित्व होता है वो रेल के ऊपर बनाना है, तो उससे तो पर्पस सर्व नहीं होगा। जब पूरा सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट से भी पहल हुई है तो सैंक्शन होंगे और काम भी होगा। सर दमोह से नागपुर के लिए मांग की जा रही ट्रेन की, दक्षिण भारत के लिए नागपुर के लिए क्या ट्रेन चलेगी? नहीं, उसका जो जैसे जैसे डिमांड आपका होता है हम इसको रेलवे बोर्ड भेजते हैं और रेलवे बोर्ड एक ओवरऑल व्यू लेके पैसेंजर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए फिर वहाँ से सैंक्शन आता तो गाड़ी चलाएं। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा की निगरानी की जा रही है, कैसा? नहीं, अच्छा है, एक प्रयोग चल रहा है, अगर ये सफल हुआ तो खास करके जो हमारे मेजर यार्ड्स हैं या मेजर स्टेशंस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ये फायदेमंद साबित होगा। सर जितने भी स्टेशन रहते हैं वहाँ पर बिजनेसमैनों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ के स्टेशन पर सर चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है तो व्यापारियों को लेकर सर बड़ा असंतोष है। नहीं, कैसी सुविधा? मतलब व्यापार संचालन के लिए कॉमर्शियल नहीं तो होटल के लिए? देखो ऐसा है कि रेलवे स्टेशन में तो अभी देख रहे हो आप ऐसे ही, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज थी बहुत दिनों से बंद थी, धीरे धीरे करके खुल रही हैं। अब वो जैसा होगा IRCTC और रेलवे मिलके कुछ करेगा, और उसमें लोकल बाहर से आके करने का तो कोई अभी फिलहाल प्रावधान नहीं, अगर कभी होता है तो ज़रूर हम उसको। सर दमोह रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया है, सर कैसा महसूस हुआ? अच्छा है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी हम सुधारेंगे। सर तीसरी लाइन चालू है, सर कब तक कम्प्लीट हो जाएगी? एक्चुअली काम चल रहा है विभिन्न खंडों में, और जैसे जैसे फंड की अवेलेबिलिटी होती है कुछ जगहों पर फॉरेस्ट का भी है, तो अगले 2-3 सालों में पूरी लाइन हमारी जो बचे हुए सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोविड काल में लगातार विकास करना कितनी बड़ी चुनौती हो रही है? चुनौती थी, लेकिन अभी तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गई हैं। पहले जो हमारे खास करके जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट्स में जो कि मैन पावर की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो अभी एज सच कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। सुना है कि 300 किलोमीटर के अंदर कोई मेमो ट्रेन चलाने के का निर्णय रेलवे ले रही है, क्या दमोह में बिना कटनी सेक्शन में भी ये चलाया जाएगा? कोशिश करेंगे। ठीक, खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियाबाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न एवं जन्मजात पैरों में टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शराब के नशे में चूर होने के बाद भी बच्चों यूनियन बैंक के बाजू से डाले जाने का विरोध कर रहे हैं, वो बाकायदा कहते नजर आ रहे हैं।